आप उन्हें में किसके जरिए आए आप यहाँ पर? फ्रेंड के द्वारा। फ्रेंड के द्वारा क्या हो गया था आपको, किस समस्या से आए आप यहाँ पर? घर के बहुत सारी समस्या थी। अच्छा। मेरा घर का काम 4 साल से रुका हुआ था। अच्छा। पैसे कौड़ी सब था मेरे पास, पर घर का काम ही चालू नहीं हो रहा था। मैं यहाँ आया तो 3 महीने में मेरा घर आज कंप्लीट हो गया। अच्छा, बन भी गया। घर नहीं बन रहा था। घर नहीं बन रहा था। अब 3 महीने में आपका घर बन गया। घर भी बन गया कम्प्लीट। कितनी बार आप आए यहाँ पर? मेरे को अभी ज्यादा से ज्यादा 3 महीने हुए। अच्छा, 3 महीने हो गए। हाँ, अभी आप फर्स्ट बार आया था ना, मैया ने वचन दे दिया था कि जा नोरता में चालू हो जाएगा काम। आज नोरता 3 महीने भी नहीं हुए गए और मेरा काम कम्प्लीट हो गया। कम्प्लीट हो गया आपका काम? और भी कुछ काम लेकर आए होंगे आप यहाँ पे? मेरी सवारी 4 साल से घूम रहा था, मैं सवारी नहीं खुल रही थी और आज 3 महीने में मेरी सवारी पूरी खुल गई। पहले आप कहाँ पर जाते थे? पहले मैं जाता था यही गांव में पास में था। अच्छा। सुरेल। अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ, 4 साल दौड़ लिया मैंने वहाँ। 4 साल से जा रहे थे आप? हाँ, 4 साल से जा रहा था। अच्छा। तो 4 साल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर आपको कितने महीने में फर्क पड़ गया? 3 महीने में मेरा सब काम हो गया। 3 महीने में सब कुछ काम हो गया। और भी कुछ? बस मैया के धर्म में जो भी आए, बस श्रद्धा लेके आए, सारे काम हो जाए। अब आपकी सवारी वगैरह सब कंप्लीट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सवारी वगैरह आपकी खुल गई? सवारी भी खुल गई। अच्छा, पहले आपकी सवारी नहीं आ रही थी आपको? बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि सवारी आ रही है कि नहीं आ रही। अब आपकी सवारी ओपन हो गई? ओपन है, पूरी ओपन हो गई। अच्छा। और बाकी किसी ने आकर पैसे ऐसे की मांग तो नहीं करी यहाँ पर? हमारे किसी ने भी पैसे नहीं मांगे यहाँ पे। अच्छा। और आपको स्नान वगैरह का बोला होगा, बस टाइम पे करना हो? हाँ, स्नान का बोला, स्नान पे करना जरूरी है क्योंकि स्नान करोगे तभी सवारी खुलेगी, स्नान नहीं करोगे सवारी कहाँ से खुलेगी। ठीक है भैया, जय माता दी। जय माता दी।